आगे बढ़ें और आपको बताएं, नई हुकूमत में नंबर प्लेटें भी नायाब हो गई हैं। महकमा एक्साइज और इनबॉक्स कंपनी के दरमियान 3 साला मुआहदा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से नंबर प्लेटें जारी करने की दरख्वास्तों में दिन ब दिन इजाफा तो हो रहा है, लेकिन सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के ई चालान मुतासर हो रहे हैं इसी वजह से। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, ज़ीशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या एक्साइज की जानिब से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, पंजाब में नंबर प्लेटों का बुरान पैदा होने का खदशा सामने आया है कि महकमा एक्साइज का इनबॉक्स कंपनी के साथ 3 साल कॉन्ट्रैक्ट था जो खत्म हो गया, और एक्साइज अफसरान की जानिब से कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई थी कि डीजी एक्साइज के दफ्तर में ये प्लांट है नंबर प्लेटों का, जिसमें एक भी नंबर प्लेट अब मौजूद नहीं है। एक्साइज दफातर में लोग जाते हैं, नंबर प्लेट अप्लाई करते हैं, तो हम उनको गुज़िश्ता हफ्ते से नंबर प्लेटें फराहम करनी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि पीछे स्टॉक में महकमा एक्साइज के पास नंबर प्लेटें हैं ही नहीं। अब एक्साइज का काम यही है, शहरियों को टाल मटोल इतना कर रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड के साथ ही आपको नंबर प्लेट फराहम की जाएगी, जबकि अपनी जो इलाके से हकूमत अमली है उसको जाहिर नहीं किया जा रहा। इस हवाले से सेफ सिटी के जो ई चलान मुहिम है वो भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है कि जब गाड़ी या मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ही नहीं लगी होगी तो किस तरह सेफ सिटी के कैमरा किसको ई चलान भिजवाएंगे। शुक्रिया ज़ीशान मलिक आपका।